देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम परिसर में महापौर सीताराम जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात महापौर ने पार्षदों, नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद गाजी बाजी के साथ महापौर के नेतृत्व में नगर आयुक्त और पार्षदगणों ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान नगर निगम परिसर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित पार्षदों ने पौधरोपण भी किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अरे महात्मा गांधी अमर, 15 अगस्त अमर रहे। ये संकल्प पत्र है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के द्वारा पढ़ा जाता है भारतीयों को संकल्प लेने के लिए। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप लोग उसे दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में इस संविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत माता की जय। फूल माला था, फूल आगे देखो, गीत पढ़ेंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, सदा शक्ति
सरसाने वाला प्रेम सुधा तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ। हमारा राष्ट्र प्रतीक तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत गर्व के साथ बिना भेदभाव के 74 साल स्वतंत्रता दिवस पूरा करने के बाद आज 75वां सालगिरह में हम लोग प्रवेश किए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज लाल किले से झंडा फहराकर दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। ये भारत की हमारी प्राचीन संघर्ष संस्कृति है लोकतंत्र। जब आदमी पैदा होता है तो हर आदमी को यह अधिकार है, हमारे संविधान ने दिया है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे संविधान वेताओं ने दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था और उसी के तहत हमारा देश आज चल रहा। हमें वो हर्ष की बात है कि भारत के चाहने वाले लोग दुनिया में जहाँ भी हैं इस आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। जब देश में आज़ादी मिली बहुत से यहाँ की जनता को परेशानियाँ थी, एक सुई तक नहीं बनता था। आज हम लोग चांद मिशन पर जा रहे हैं, एक से एक रॉकेट लॉन्चर, आज स्वदेशी विमान वाहक पोत का भी लोकार्पण हुआ है जो इंडिया की एक शान है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में
पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ जनता के हित के लिए काम कर रहा है। किसी से भेदभाव नहीं, सबका विकास, किसी का पक्षपात नहीं। 135 करोड़ लोग देशवासियों का विकास करना सरकार का दायित्व है। उन घरों में राशन पहुंचाना, गैस चूल्हा पहुंचाना, बिजली कनेक्शन देना, सड़कें बनाना, गांव के उन्नति के लिए अनवरत काम करना, ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमारी सरकार इसे निभा रही है। इस दिवस को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अमृत महोत्सव को मनाकर देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपी, अशफाकुल्ला खां, ऐसे अनगिनत शहीदों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल आजाद के बारे में बताया जाता है, चंद्रशेखर आजाद के, कि उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही मरूंगा। जब उन्हें अंग्रेजी फौज ने घेर लिया तो अंतिम सांस तक उनसे लड़े, और जब एक गोली बची तो उस गोली को अपने सीने में दफन कर दिया। ये भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा है, और आज उन्हीं लोगों के बदौलत देश आज़ाद है, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, आज जितना भारत संगठित है कभी नहीं रहा। ये आज़ादी का पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं कि बच्चों में, नौजवानों में, यहाँ के लोगों में भारत माता के लिए जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान करें और उस आज़ादी को याद रखें। एक फूल की अभिलाषा है, कवि ने लिखा है, एक फूल क्या सोचता है देश के बारे में, कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरने। एक फूल की अभिलाषा है। हमारे देश के लोगों ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जागृति, उसमें एक संदेश आता है, एक गाना है, मझधार से लाए हैं किस्ते निकाल के, बच्चों तो रखना इसे संभाल कर। इसलिए हम लोग आज़ादी मनाते हैं कि जिस मुश्किलों में आज़ादी की किस्ती को किनारे पहुंचाया है उनको याद करें। आज के दिन हम सभी को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम भारत के संविधान की रक्षा करते हुए अपने देश की सीमाओं की भी रक्षा करेंगे। आज हम देख रहे हैं दुनिया में मारकाट बता है, एक ही कौम के लोग एक दूसरे से लड़ करके अपने ही को नष्ट कर रहे हैं। ये क्या है? ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत इसका विरोध करता है। चाहे किसी का खून बहे, वो मानवता का खून बहता है। आज हमें प्रतिज्ञा करनी है कि अपने ही देश नहीं दुनिया के लिए हम संदेश दें कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ये भारत की रणनीति है, भारत का आत्मबल है। हम हर जगह हिंसा का विरोध करेंगे। आज के दिन मैं अपने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी चैनलों को जो समाचार को प्रकाशित करके जनता को जागरूक करते हैं, चेतना लाते हैं, उनको भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।